तो आप ये ट्रिकी रेसिपी आप घर पे ट्राई कर सकते हो, जब आपको कुछ खाने का मन नहीं हो या कोई घर पे ना हो या खाना आपको खाने का मन नहीं हो जब, ठीक है, तो आपने ये रेसिपी तो देख ही लिया है तो अच्छा बनाया। वैसे मैंने अच्छा बनाया, मैं को उतना आइडिया नहीं था कि क्या क्या इसमें डालना है, क्या नहीं डालना है, कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना है, बट आइडिया ना होने के बावजूद भी मैंने अच्छा बनाया तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत खुश हूँ। तो चलो फिर मैं इसको फिनिश करती हूँ और आज का हेलो 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 फ्रेंड्स, मेरे को भूख लगी हुई है तो मैंने सोचा कि चलो कुछ बना के खाते हैं। कुछ आता तो वैसे है नहीं मेरे को ज़्यादा, कुछ जो बन जाए जो समझ में आता है बना देती हूँ बस। ज़्यादा रेसिपी नहीं आती मेरे को, तो अभी भूख लगी हुई है बहुत ज़्यादा और देखते हैं क्या बनता है। को ये तो अंडे ले लिए मैंने और अभी इसका कुछ तो बनाते हैं। गैस को ऑन करते हैं। सो गैस को मैंने गैस को ऑन कर लिया। तो फ्रेंड्स मैंने अभी दो अंडे लिए हैं और मेरे को समझ नहीं आ रहा है, अंडे तो लिए बट अब मैंने पैन में तेल को गरम कर दिया है, गरम हो रहा है, ये तेल को गरम कर रही हूँ मैं पैन में, मैंने तेल डाल दिया है और अभी तेल गरम हो रहा है, आप देख सकते हो। तो तेल गरम हो रहा है, ये देखो, तो तेल तो गरम हो रहा है तो इसमें अंडे डाल देंगे। क्या करेंगे, तो इसमें अंडे डाल देंगे, बन जाएगा, है ना। तो अभी हम इसमें अंडे इसको तोड़ के डालने वाले हैं, तो डालते हैं। आप लोग देख सकते हो ये बन रहा है और बन रहा है और बस बन ही रहा है और बन रहा है। ये बन रहा है। इसमें मैंने तेल डाला, अंडे तोड़ के डाल दिए, डाला इसमें मैंने अंडे तोड़ के डाल दिए और अभी ये पक रहा है, देखते हैं खाने में क्या कैसा स्वाद सा आता है। तो गाइस अब ये बन चुका है और देखो ये कैसा दिखता है, मैं दिखाती हूँ, बट अभी इस पर मेरे को नमक डालने का है तो मैं दिखाती हूँ, देखो कैसा है। फ्रेंड्स ये कुछ ऐसा दिख रहा है, अल्लाह जाने ये क्या बना है, बट अभी मैं इसमें नमक डालती हूँ तो देख सकते हो आप लोग ये नमक 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 नमक। और मैंने ना ये ऊपर से ना ऐसे ऐसे ये काली मिर्ची भी डाल दी, ये टिरिंग 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 काली मिर्च की बारिश कर दी मैंने। तो ये देखो मेरा ये बन के, तो ये देखो ये बन के तैयार हो चुका है, आप लोग देख सकते हो, और ये अल्लाह बेहतर जाने कैसा बना होगा। और मैं अब इसको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा बना है, तो बताते हैं देख के। तो देखते हैं कैसा है ये, और अभी मैं इसको टेस्ट करके बताने वाली हूँ ये कैसा बना है, ठीक है। तो मैं टेस्ट करती हूँ और बताती हूँ कि ये कैसा बना है। मतलब बुरा नहीं है और ठीक ठाक है, मैं एक बार और टेस्ट करके बताती हूँ, इसे एक बार में समझ नहीं आया। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब अच्छा बना, मतलब मैं तो डर रही थी कि पता नहीं कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा, क्योंकि मेरे को उतना पता भी नहीं था कि क्या क्या बनाना है, क्या क्या इसमें डालना है, तो मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी कि पता नहीं कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा, क्योंकि मेरे को सही से रेसिपी भी इसका नहीं मालूम है, बट ये बन गया, अच्छे से बन गया और मेरे को खुशी है इस बात की। और वैसे जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनको एक बात बोलना चाहती हूँ, देखो ऐसे बना के आप भी खा सकते हो। क्योंकि देखो जिनको कुछ बनाने नहीं आता ना वो ये बना के खा सकते हैं, बिकॉज मेरे को भी ज़्यादा कुछ आता नहीं है बनाने के लिए, तो आप ये बना के खा सकते हो जब आपको भूख लगे, तो आप ये ट्रिकी रेसिपी आप घर पे ट्राई कर सकते हो, जब आपका कुछ भी खाने का मन नहीं हो या कोई घर पे ना हो या खाना आपको खाने का मन नहीं हो जब, ठीक है, तो आपने ये रेसिपी तो देख ही लिया है तो अच्छा बनाया। वैसे मैंने अच्छा बनाया, मेरे को उतना आइडिया नहीं था कि क्या क्या इसमें डालना है, क्या नहीं डालना है, कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना है, बट आइडिया ना होने के बावजूद भी मैंने अच्छा बनाया तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत खुश हूँ। तो चलो फिर मैं इसको फिनिश करती हूँ और आज का ब्लॉग यहाँ पे खत्म करते हैं। टाटा बाय।
अल्लाह हाफिज़, सब लोग अपना ख्याल रखना, मेरे को दुआ में याद रखना।